हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजीव है और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं स्विच एट पे खड़े हैं, अभी 33 के भी ये स्विच एट है। तो इधर एक चीज़ आपको दिखाना है। हम लोग जानते हैं मेनली जो मेन बास होता है, जिधर से सब फीडर और ट्रांसफॉर्मर भी सभी कनेक्ट होता है, उसको बास बोला जाता है। उधर इनकमिंग आउटगोइंग सभी कंडक्टर कनेक्ट होता है, ठीक है। तो मेन बास जो है 33 के भी साइड में जो मेन बास है उसको डिवाइड किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? डिवाइड इसीलिए किया जाता है, उधर बहुत लो वोल्टेज के कारण, लो वोल्टेज मतलब ये 33 के भी साइड है, 33 के भी के कुछ मेंटेन करने के समय लोडिंग शिफ्टिंग करना ज़रूरी होता है। लोडिंग शिफ्टिंग मतलब सोच लीजिए, उधर कुछ पार्ट में ये गड़बड़ हुआ है। कुछ पार्ट मतलब सोच लीजिए टोटल बास में 6 और 7 सोच लीजिए ऐसा कुछ कनेक्टेड है, 6th और 7th नंबर ऑफ बे और उसके ज़्यादा बे कनेक्टेड हो सकता है। तो सोच लीजिए बास साइड में जब कनेक्ट होगा बास पाइप, बास साइड से जब ड्रॉपर होके मेन बस पर कनेक्ट होगा, तो उधर सोच लीजिए किसी भी बे में ये बास साइड में प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस समय क्या होगा, बास मेन बस को तो टोटली शट डाउन लेना पड़ेगा, नहीं तो बास में टच नहीं कर सकते हम, टोटली चालू है। तो इसी के कारण ये जो मेन बास है उसको सेक्शन करना ज़रूरी है, इसीलिए ज़रूरी है। वो पर्टिकुलर सेक्शन आप आइसोलेट कर देंगे तो मेंटेन करने के लिए बहुत एडवांटेज आपको मिलेगा। आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाएंगे, इसलिए मैं स्विच पे आए हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये देखिए, ये एक बास सेक्शन आइसोलेटर है, ठीक है। इधर तीनों बास सेक्शन आइसोलेटर हैं, आपको मैंने दिखाएंगे बाद में। तो अभी चलिए कुछ फीचर्स आपको दिखाते हैं। ये जो इधर से जो बास सेक्शन आइसोलेटर है, उधर से ये एक बे, ये जो बे देख रहा है आप, ये एक बे होता है, ये एक बे दो, उसके बाद 3 और 4, टोटल 4 बे। ये सेक्शन नहीं है, ये कंटिन्यूस चल रहा है। इधर और कुछ भी है, स्टेशन पावर और अर्थिंग ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड है। सोच लीजिए इधर इस साइड में टोटल 6 बे कनेक्टेड है, ठीक है। उधर चलिए आपको मैंने दिखाते हैं। इधर अच्छा, इतना सुंदर मौसम है, अभी विंटर सीजन ऑलरेडी इज कमिंग, इसीलिए बहुत अच्छा फील हो रहा है। ज़्यादा सनशाइन नहीं है इधर, तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। उसके बाद देखिए, चलिए मैं छोड़ के चला यहाँ बात करते करते। तो इधर देखिए, ये तो मैंने पहले दिखा दिया, उसके बाद ये एक है बे, ये 2 नंबर बे, उसके बाद ये 3 नंबर बे और उसके बाद ये 4 नंबर बे। इस दोनों जो सेक्शन आइसोलेटर, वो एक सेक्शन आइसोलेटर है, आपको मैंने दिखाता है, ये एक सेक्शन आइसोलेटर है और उधर एक सेक्शन आइसोलेटर है, वो वाला एक सेक्शन आइसोलेटर है। दोनों के बीच में 4 बे है, इधर भी आपको दिखा दिया, वो ये और ये 4 बे कनेक्टेड है। उसके बाद और एक है, और एक बस सेक्शन आइसोलेटर देखिए, उधर एक बस सेक्शन आइसोलेटर है, वो वाला चलिए आपको दिखाते हैं। ये एक बस सेक्शन आइसोलेटर, ठीक है। उसके बाद इस साइड में कितना बे कनेक्टेड है देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 नंबर बे कनेक्टेड है। एक बार सोच लीजिए, मैं इधर खड़े हैं अभी, ये एक फीडर है और ट्रांसफॉर्मर जो भी हो, तो सोच लीजिए इधर और ये आइसोलेटर, ये आइसोलेटर मेन बस साइज आइसोलेटर है, 29A लिखा है, ये मेन बस साइज आइसोलेटर। सोच लीजिए ये मेन बस साइज आइसोलेटर, इधर आइसोलेटर की इस तरफ नहीं, इधर कुछ प्रॉब्लम हुआ है हम लोगों को, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम, इधर टच नहीं कर सकते, इसीलिए टच नहीं कर सकते क्योंकि टच करेंगे टोटल, ये देखिए ये ड्रॉपर के द्वारा ये टोटली कनेक्टेड है,
तो इस साइड में कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपको ये टोटल जो बांस है ये शट डाउन लेना पड़ेगा। मगर आप सोच लीजिए, ये सेक्शन आइसोलेटर होने के कारण आप इस साइड में ये आइसोलेटर ओपन कर देंगे तो क्या होगा, इस साइड टोटली डेड हो जाएगा। और उसके साथ कुछ ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है तो उसको भी शिफ्टिंग करना ज़रूरी है ये टोटल बांस डेड होने से पहले। तो क्या होगा, उस समय ये बांस टोटली फ्री हो जाएगा और इधर में कुछ बांस ट्रांसफार्मर में शिफ्ट हो जाएगा। तो बांस ट्रांसफार्मर मतलब बांस ट्रांसफार्मर इटसेल्फ एक्स्ट्रा ब्रेकर, उधर ये शिफ्टिंग हो जाएगा तो उसका अलग प्रोसीड्योर है। तो हम क्या कर सकते हैं, इधर में जो भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम इसको रिपेयर कर सकते हैं, इसीलिए ये बांस सेक्शन आइसोलेटर होना ज़रूरी है। ठीक है, आप सोच लीजिए इधर ये प्रॉब्लम हुआ है, आइसोलेटर मेन बसेट इधर ये आइसोलेटर हो रहा है, प्रॉब्लम हुआ है, तो उस समय क्या होगा, उस समय बांस शटडाउन नहीं लगेगा। इसीलिए नहीं लगेगा, ये आइसोलेटर तीनों ओपन हो जाएगा तो इस साइड टोटली फ्री है। आप इस बे को शटडाउन ले सकते हो, बे मतलब ये जो ब्रेकर है, ब्रेकर को स्विच अप करने के बाद ये बांस साइड आइसोलेटर और उधर जो ये लाइन साइड आइसोलेटर है, ये जो लाइन साइड आइसोलेटर है इसको आप ओपन कर देंगे। उसके साथ साथ आपको देखना चाहिए जो ट्रिबिया आइसोलेटर है उसको भी ओपन करना ज़रूरी है सेफ्टी पर्पस। ये देखिए ये भी ओपन है, ठीक है, ये ट्रांसफर बस साइड आइसोलेटर, ये तीनों को ओपन होना ज़रूरी है। एक्चुअली मेन बस साइड और लाइन साइड आइसोलेटर, ये जो है ये लाइन साइड आइसोलेटर, लाइन इस तरफ चले जा रहा है तो इसीलिए ये लाइन साइड आइसोलेटर इसको बोला जाता है 29L, ये इसका मतलब ये लाइन साइड आइसोलेटर है। ठीक है, ये मेन बस और लाइन साइड आइसोलेटर ये ओपन हो जाएगा तो क्या होगा, टोटली बस फ्री हो गया। तो उसके बाद आप ब्रेकर ऑफ करके आइसोलेटर ओपन करके आप ये शटडाउन ले सकते हो। तो उस समय ये आइसोलेटर की इधर इस तरफ आप हाथ भी लगाओगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उसके बाद ये कंडीशन प्रोवाइडेड है, आपको लोकली अर्थ करना ज़रूरी है। इधर तो एक आइसोलेटर ये अर्थ है, ये रेड वाला जो इंडिकेशन दिखा रहा है ये आइसोलेटर है, अर्थ आइसोलेटर, ये वाला जो आप देख रहा है ये और ये और ये जो है ये तीनों ऊपर चले जाएंगे और ये जो है उसके अंदर घुस जाएगा, वो ऐसा देखने को आपको मिलेगा, उसके अंदर घुस जाएगा। आप देखिए ये जो आप देख रहा है ना, ये इसके अंदर ये घुस जाएगा। तो उस समय क्या होगा, उस समय ये अर्थ कनेक्टेड हो जाएगा, ये अर्थ आइसोलेटर के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा। मगर उसके बाद की प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है, क्योंकि वोल्टेज लेवल जितना ज़्यादा होगा उसका ही उतना चार्जिंग करंट फ्लो होगा। तो इधर भी ये चार्जिंग करंट होता है तो आदमी के दोनों साइड में एक लोकल अर्थिंग हुआ तो आपको अच्छा होगा, आप अच्छे से ये शटडाउन ले पाओगे। उस समय आप ये रिपेयर कर दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और उसके साथ साथ इधर भी जब आपको काम करना है उधर भी आपको इस साइड में तो ओपन होगा, दोनों साइड में आदमी के दोनों साइड में लोकल अर्थिंग रहना ज़रूरी है। इससे क्या होगा, चार्जिंग का जो भी हो वो अर्थ में चला जाएगा तो आप ये इजीली काम कर सकते हो। तो ये एक आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन हमने दे दिया। तो हमको पता नहीं आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो हमको कमेंट्स करके ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपको कोई भी जानकारी ऐसा ही चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर वीडियो कर देंगे। मगर थोड़ा टाइम हम ज़्यादा ले सकते हैं, बहुत आदमी हमको कमेंट किया था इसके ऊपर वीडियो बनाओ उसके ऊपर वीडियो बनाओ, मैंने नहीं बना पाया, टाइम एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है तो इसलिए मैंने नहीं बना पाया, तो सॉरी इसके लिए। तो जो भी हो आज ये वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, एक नया वीडियो हम लेकर आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।